चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी। जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो बच्चों इस बार आपके सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। कंडीशनल, हाँ, पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस का है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टॉपिक नंबर वन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक एक गिवन प्रोबेबिलिटी के ऊपर दूसरी प्रोबेबिलिटी, एक गिवन प्रोबेबिलिटी के ऊपर दूसरी प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं दो इवेंट मानूं आपके सामने, ए एक ए इवेंट है कि सेंचुरी ऑफ विराट कोहली, सेंचुरी ऑफ विराट, ओके। और बी इवेंट में बोलूं आपको विनिंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना, विनिंग ऑफ इंडिया। तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बना सकता हूं पी पी ए के होने के ऊपर बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ इंडिया व्हेन विराट मेड अ सेंचुरी। अगर विराट सेंचुरी मार चुका है तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके, बैठो वहीं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ इंडिया व्हेन विराट मेड अ सेंचुरी, एक घटना होने के ऊपर दूसरे घटना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बोलो जी, आया समझ में ना भाई? विराट के सेंचुरी मारने के ऊपर इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो होगी। मतलब यदि मैं ए कहूं ए विराट का सेंचुरी मारना है तो उस पर इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? पी बी अपॉन ए। अगर मैं कहूं अगर विराट सेंचुरी नहीं मारता है तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी, दोनों दोनों डिफरेंट आएंगी कि नहीं आएंगी? ये सॉरी, दिस इज ए बार। ए बार मतलब सेंचुरी ना मारने पर, दो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूं यहां मैं, एक सेंचुरी मारने पर विराट इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी और एक सेंचुरी ना मारने पर इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी। बोलो, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो एक दूसरे पर डिपेंड करे, समझ गया ना? एक के होने के बाद अगर दूसरे डिपेंड करे तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी, अगर क्लाउड आ चुके हैं तो बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश के होने को मान लो रेन, मान लो क्या मान लिया? रेन। अगर क्लाउड आ चुके हैं, क्लाउड के आने पर बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी, क्लाउड के आने पर मतलब पहले क्लाउड आए होंगे, क्लाउड के आने पर बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ गया ना? तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी भाई, जरूरी भी नहीं कि 100% हो, क्योंकि कई बार क्लाउड बने रहते हैं, दिन भर बारिश नहीं होती है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी होगी जी मतलब कुछ ना कुछ 0 से लेके 1 के बीच में होगी। बोलो यस और नो? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में होती है? 0 to 1, समझ गया ना? तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी 0 से 1 के बीच में। बट मैं आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग वेन एवर देयर इज नॉट क्लाउड, अब तो ये तो लॉजिक की बात है कि अगर बादल ना हो तो बारिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या होगी? अरे बादल नहीं है, बिना बादल की बारिश हुई है कभी? तो बादल ना होने पर बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। नहीं आया समझ में? सी सी बार मतलब नो क्लाउड, बार मतलब नॉट, बार मतलब नॉट, अनहोनी। तो बार सी बार नो क्लाउड इज देयर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग? 0। बोलो आया समझ में? तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, जब एक घटना हो जाने के बाद उस पर दूसरी घटना होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक घटना बेस का काम करती है, उसके ऊपर दूसरी घटना हुआ करती है, समझ गया ना? तो एक घटना के रिस्पेक्ट में दूसरी घटना का होना, द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट व्हेन ऑलरेडी सम इवेंट इज हैपेंड, जब कुछ हो चुका है उसके ऊपर कुछ घटित हो तो हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्सीडेंट हुआ 10 लोगों का, 10 लोगों में 2 लोग मरे, सब तो नहीं मर गए ना, तो मरने घट एक्सीडेंट होने के बाद डेथ होना इज अ कंडीशन। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डेथ व्हेन एवर इट इज गिवन दैट दे विल सफर फ्रॉम एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो उसके ऊपर डेथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पहले क्या होगा? एक्सीडेंट,
और एक्सीडेंट के कॉमन केसेस में से क्या बनेगी, डेथ बनेगी, मतलब एक्सीडेंट के अंदर डेथ है, समझ में आया ना। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊं वेन डायग्राम में, तो ये देखूं ये एक्सीडेंट का जोन है, बोलो ये सानो, और ये डेथ का जोन है, समझ गया ना, नहीं आया समझ में। एक्सीडेंट के भीतरी वाले तो मरेंगे, बाहर वाले थोड़ा ना मरेंगे, है ना, एक्सीडेंट में ही तो डेथ आएगी ना, डेथ में एक्सीडेंट नहीं आएगा, समझ में आया, एक्सीडेंट के अंदर डेथ, तो एक्सीडेंट पहले होगा और डेथ ऊपर उसके होगी, उसमें से डेथ चुनी जाएगी, मतलब ये वाले जो इवेंट होते हैं इस इवेंट में से चुने जाते हैं। व्हाट यू कैन से, डेथ इज द सबसेट ऑफ ए, समझ गए ना, डेथ इज द सबसेट ऑफ ए, डेथ ए का क्या है, सबसेट है, क्लियर हुआ, डेथ ए का क्या हुआ, सबसेट, डन, ओके। तो ये है भैया, ये इंट्रोडक्शन था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सो मेन नोटेशन इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, ओके, या बी कंडीशनल ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, जबकि ए ऑलरेडी हो चुकी है, ओके, डन, चलिए नोट कर लो। नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इस पर चार मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है। फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी बी ऑब्लिक ए, अगर कोई इवेंट हो चुकी है बी अपॉन ए, इवेंट ए के हो जाने के ऊपर बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर इवेंट बी हो चुकी है तो ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो बेटा ए हो चुकी है, बेस वाली हो चुकी होती है, नीचे वाली होती है उसके ऊपर, ए फॉर एक्सीडेंट, ऐसे ही समझ लेना, एक्सीडेंट के ऊपर डेथ, समझ गए ना, हाँ। तो निकालने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू, बेटा देखिए कैसे निकलता है, इट इज इक्वल टू, पहले कौन होगी बेटा, ए, बोलो यस ऑर नो। अब जो दूसरी इवेंट होगी वो ए के कॉमन केसेस में से होगी, तो पी बी नहीं लिखोगे, समझना, फीलिंग आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, देखना, एक्सीडेंट हुआ ए था, एक्सीडेंट के बाद डेथ होने वाले, ध्यान से देखो ये डी क्या था, ए और डी का कॉमन केस था कि नहीं था, समझ गया ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए नीचे ऊपर में कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया कि नहीं आया। अब बचपन वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का जो पढ़ते थे हम लोग, क्या पढ़ते थे, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट अपॉन टोटल केसेस, एन ई अपॉन एन एस, है ना, तो लगा दो यार यहाँ पे क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एन एस, और यहाँ पे एन ए अपॉन कितना, एन एस, एन एस से एन एस कैंसिल, आंसर एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एन ए, नोट करो, ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। चाहे ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, ज्यादातर ये यूज करते हैं, पी बी ऑब्लिक ए बी अपॉन ए, ए के होने के ऊपर बी के होने के क्या चांसेस है, क्या है कि भाई फॉर्मूला ही आ गया ना, क्लियर है। तो मैंने क्वेश्चन लिखाया कि इन ए फैमिली देयर आर टू चिल्ड्रन एंड इट इज गिवन दैट द फर्स्ट बेबी इज अ गर्ल, मतलब पहला जो बच्चा है वो लड़की हुई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली लड़की ही होगी, ये बिल्कुल तय है कि लड़की हो गई है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड चाइल्ड इज ऑल्सो अ गर्ल, तो सेकेंड बच्चे के गर्ल होने के चांसेस पता कीजिए। चलिए देखते हैं बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक फैमिली है, उसके दो बच्चे होने हैं, दो बच्चे हैं उसके परिवार में, बताता हूँ अभी सब क्लियर हो जाएगा। पी ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला पहले देख लो, दैट इज इक्वल्स टू क्या बताया ऊपर, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, पी ए नहीं बेटा पी बी, अब बेस में बी है, ये गलती मत करना है, देख लेना क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ, है ना, ये हो गया। इसको मैंने कैसे सॉल्व करके बताया, नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस अपॉन नंबर ऑफ केसेस ऑफ बी अपॉन एन एस, ये दोनों कैंसिल एंड फाइनली आंसर आया था एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एन बी, है क्लियर हुआ।
चलो अब आ जाते हैं अपनी समस्या पे। आपको दिया गया है कि किसी फैमिली में दो बच्चे हैं, तो बेटा सबसे पहला काम करा करो सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी, है ना। 11th क्लास की और 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी का नॉलेज होना जरूरी है। तो भाई किसी घर में दो बच्चे हैं, सिक्के उछलते थे दो बच्चे, हेड टेल आते थे। अब यहाँ पे बच्चे हैं तो आइदर बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, बोलो यस। तो भैया सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। अब कह रहा है इवेंट नंबर ए में दिया गया है, तो मान लेते हैं लेट ए, ए पहली इवेंट है दैट फर्स्ट फर्स्ट बेबी इज गर्ल, पहली बेबी गर्ल है, समझ गया ना, जो पहला बच्चा हुआ है वो गर्ल है। तो अगर पहली लड़की गर्ल हुई है तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग केसेस कौन कौन से, दो केसेस, गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, बोलो यस और नो, है ना जी। अगर पहली लड़की गर्ल हुई है तो दो केसेस हुए, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। अगर मैं यहीं पर कह देता इफ वन चाइल्ड इज अ गर्ल तो 3 केसेस हो जाते। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह देता इफ वन चाइल्ड इज अ गर्ल, एक बच्चा गर्ल है, एक बच्चा गर्ल है, तो 3 केसेस हो जाते, तब ये भी आता बॉय गर्ल। मगर बट मैंने यहाँ कंडीशन ले ली कि पहली जो हुई है वो बिटिया हुई है ना। हाँ तो गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, पहली लड़की हुई है। अब बी इवेंट कह रहा है तो दूसरी भी लड़की हो, तो पहली लड़की और दूसरी लड़की। तो याद रखना ये देखो, ये बेस में से ही छाटी जाएगी वो इवेंट 100%, क्योंकि पहली लड़की हो चुकी है, दूसरी लड़की हो तो बेस ही में तो छाटी जाएगी, तो एक ही केस बनेगा गर्ल और गर्ल। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो अगर नॉर्मली दिमाग लगा के प्रोबेबिलिटी बोली जाए तो इसके 1 केस और इसके टोटल 2 केस, तो आंसर कितना, 1/2। बट रूल के अकॉर्डिंग अब चलेंगे अपन, अब देखना रूल के अकॉर्डिंग। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। बेटा लास्ट ईयर पढ़ोगे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन केसेस, तो गर्ल 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 का कॉमन केस एक ही है, यस और नो, आ गया। अब सारी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एन ए मतलब कितना, 2 अपॉन कितना, 4, टोटल केसेस 4। ये एन बी 1/4, बोलो यस और नो। और यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी कितना, 1/4, कॉमन केस एक ही तो है कि नहीं है, है ना एक केस। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हमें निकालना है, अगर पहली लड़की गर्ल हुई है तो पहली लड़की के गर्ल होने को मैंने क्या माना है, ए, बोलो यस यस ना बच्चों। दूसरी लड़की भी गर्ल हो ए हो जाने के बाद, उसको मैंने क्या माना है, बी। तो पी बी ऑब्लिक ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनाया था, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, एन ए, हाँ फिर बोले एन बी, एन ए बेस में ये है, जो बेस में होता वो आता है, समझ में आया। तो आंसर एन ए इंटरसेक्शन बी कितने केस, 1/4, है ना। देखो अगर वो 1/4 बोल रहा है तो फिर पी लिखो, समझ में आया मैं क्या कर गया, पी, क्योंकि पी बराबर एन ए अपॉन एन एस होता है, तो जो 1/4 बोल रहे हो ना वो किसके लिए आ रहा था, वो बिना कटे के लिए बोल रहे थे तुम 1/4, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलो देखो। तुमने कहा चलो ये वाला बता दिया, ये तो क्लियर है ना, हाँ तो ठीक है इसको सॉल्व करो, जो तुम 1/4 बोल रहे हो वो पूरा बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, बोलो हाँ, प्रोबेबिलिटी मतलब एन ए अपॉन एन एस ही तो होता है, और नीचे क्या आएगा, एन ए अपॉन एन एस, वो जो 4 बोल देते हो ना बार बार, तो दोनों में तो आता तो कैंसिल हो जाता है। चलो अब बोलो ये कितना, और ये कितना, 4 से 4, आंसर कितना, 1/2, समझ में आया। मतलब यही तो समझो लॉजिकली क्या क्या रहे हो आप अपनी बेस इवेंट का ये कॉमन पॉइंट निकाल रहे हो। टोटल आपके पास बेस इवेंट में कितने हैं, 2, और 2 में से कॉमन पॉइंट क्या है, 1, समझ में आया, बेस में कॉमन पॉइंट, नोट कर लो अच्छे, समझ में आया, नोट करिए, लिखिए, इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल, 100 लोगों, इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल या बाइक राइडर्स, मुसाफिर रोड पे चलने वाले, बाइक राइडर्स लिख दो, बाइक राइडर्स, इट वाज फाउंड दैट
it was found that 40% of people, 40% of people got injured, yeah, get accidented, okay, accidented, 40% लोगों का दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, 40% people got accidented, okay. Accidented. Out of those 40%, हाँ, उन 40% में से, out of those 40%, उन 40% में से 10% हाँ चलो लिख लो, 15% मर जाते हैं, 15% डेड, 10% मर जाते हैं, 15% मर जाते हैं, ओके, 15 बोला मैंने, 15% ठीक है भाई, कोई दिक्कत, चलो अरे ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, करते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, 15% मर गए, लिखो, if from the sample, अगर सर्वे के सैंपल में से, if from the sample, randomly one person is selected, which is injured by accident, जो कि एक्सीडेंट से इंजर्ड हुआ था, ठीक है, एंड डाइड, और बाद में मरा पाया गया, ओके, ठीक ना, इंजर्ड हुआ था, इसके बाद एंड डाइड ऐसा नहीं लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट, ही डाइड, पहली प्रोबेबिलिटी, वो मर जाएगा, ही डाइड, दूसरा प्रोबेबिलिटी लिखो, बच जाएगा, नॉट डाइड, ही विल नॉट डाई, चलो समझो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है, देखो अच्छे से, देखो क्या कहा गया, आउट ऑफ 100 पीपल, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बेटा, 100, बोलो यस, 100 है, अब क्या कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ कितने लोगों का, 40% का, 40 का ना, 60 बोला मैंने, 40 बोला मैंने, मतलब नंबर ऑफ पीपल एक्सीडेंटेड, देखो मतलब ये परसेंटेज में क्या दी जाती है, प्रोबेबिलिटी क्या दी जाती है, जब भी कोई चीज परसेंटेज में दी गई है बच्चों, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि परसेंटेज को ब्रेक करो तो समथिंग अपॉन 100 आता है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट इक्वल टू दी गई है 40%, बोलो यस, मतलब 40/100, बोलो यस, हाँ 40/100, अब 100 तो लोग ही हैं, 100 तो लोग ही हैं, मतलब 100 में से 40 लोग को गाड़ी घल गई, 40 लोग ठुक गए गाड़ी से, समझ में आया, 40 लोग ठुक गए गाड़ी में, मतलब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 40%, मतलब 100 में से 40 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अब यदि एक्सीडेंट हो चुका है तो, अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो आपको बताया गया है, एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट हो चुका है तो उन एक्सीडेंट में हुए लोगों में से जो मरने वाले हैं, डेथ होने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 15%, समझ में आया, तो यही आपका आंसर है कि जिनका डेथ हुआ है एक्सीडेंट होने के ऊपर, मरने वाले कितने हैं, 15%, समझ में आया, 40 लोग हो गए ना भाई, अब देखो 40 में से 15 नहीं, जितने एक्सीडेंट लोगों के हो चुके हैं, एक्सीडेंट हुए वाले लोग कितने हैं, 40, 100 में से 40 का 15% मर रहे हैं,
40 के 15% मर रहे हैं। तो ये जो आपको जो प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो लिखा तो हुआ है ना कि एक्सीडेंट होने वालों के ऊपर मरने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 15%। तो ये एक्सीडेंट के ऊपर है, समझ गया ना। तो ये आपको क्या दी गई है, ये आपको दी गई है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अगर जिनका एक्सीडेंट हो चुका है तो उनके मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 15%। समझ में आया, उनके मरने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 15%। जिनका एक्सीडेंट हो चुका है उनके मरने की प्रोबेबिलिटी 15% आपको दी गई है। तो ये पहला जवाब तो यही हो गया जो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। दूसरा जवाब ये है कि अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो ना मरने वाले कितने हुए। भाई 15% मर रहे थे तो 85% बच गए ना, यस और नो। तो आंसर, अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो ना मरने वाले, मतलब नॉट देख, अच्छा क्यों 25%? 40 का एक्सीडेंट हुआ है भाई। एक बात बताओ, मरने वाले कितने हैं? 15% है। अब आप 100 पे मत खेलो, अब 100 को आप भूल जाओ, 40 में से खेल रहे हो, समझ गए ना। तो 40 जो है वो 100% का काम करेगा। आप उतना डिटेल में मत जाके सोचो, आप ये देखो मरने वाले कितने हैं, 15 है, बच कितने गए, 40 एक मिनट, फिर 40 में से 15, यार एक बात बताओ, सुनो तुम एक बात बताओ, तुम परसेंटेज की मैथमेटिक्स जो होती है ना, वो ये नहीं होती कि आप पुराना हिसाब ध्यान रखो, परसेंटेज जो चलता है वो नए हिसाब पे काम करता है, आप पुराने हिसाब पे मत देखो। देखो एक बात बताओ, आप कोई चीज दुकान खोल ली आपने, आपके मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है किसी चीज का 25 रुपए है, बोलो हाँ, सामने वाले ने आपसे 25 रुपए पे 10 रुपए फायदा लिया, 25 रुपए पे कितना फायदा लिया, 10 रुपए, 25 रुपए पे 10 रुपए फायदा लिया, और आपको वो चीज बेची उसने कितने रुपए की, 35 रुपए की, बोलो हाँ, बोलो यस और नो। अब आप इस चीज को दुकान में लाके बेच रहे हो, आप बेच रहे हो, आप रिटेलर हो, आप बेच रहे हो 35, तो ये 35 आपका 100% बनेगा कि नहीं बनेगा बेचने के लिए, बोलो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा यार, उससे क्या मतलब आपको कि आपको उसको उसने आपको कितने का दिया, आपके लिए आपकी क्रय मूल्य जिसको परचेज प्राइस बोलते हो 35 है कि नहीं है। तो आप अपने इस पे कमाओगे कि इस पे कमाओगे, इस पे कमाओगे, मेरे को 2 रुपए कमाना है, खुद 35 का लेके आओ, बेचोगे 27 रुपए का, इस पे कमाओगे ना, तो वो 100 रुपए हुआ ना। अब ऊपर से भूल जाओ, आपकी जो प्रोबेबिलिटी चल रही है वो कितने पे चल रही है, डेथ एक्सीडेंट के बाद डेथ हुए लोगों पे, समझ गया ना। एक्सीडेंट होने वाले टोटल जनता में 40% है, मगर एक्सीडेंट में से एक्सीडेंट जिन लोगों का हुआ है, अगर वो 100% मान रहे हो उन 40 लोगों को, उन 40 लोगों को अगर 100% मान रहे हो, तो उन 40 लोगों में से जो मर जाते हैं वो कितने हैं, 15%, यानी 6 लोग। 40 लोग का परसेंट 15% कितना होगा, 6 लोग, 15 चौके 60, होगा कि नहीं होगा, 40 का 15% 6 होता है, निकाल के देख लो, 40 × 15/100, ठीक है ना। ये हुआ, उन 40 में से जो मरने वाले वो 15 हैं, समझ में आया। तो मैं बोल रहा हूँ भैया ना मरने वाले कितने हैं, तो 40 में से 6 मर गए, बोलो भैया 40 में से 6 मर गए, बचे कितने, 34, बोलो हाँ। तो 34 लोग का परसेंट निकालो, किसमें, एक्सीडेंट वालों में से, कैसे निकालेंगे, टोटल कितने थे, 40 हैं, कितने मल्टीप्लाइड बाई कितना, चलो 0 से 0 कैंसिल, बोलो हाँ, 4 से काटो कितना हुआ, 2.5 2.5 × 10, 2.5 × 2 = 5, तो 2.5 × 10 मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, 34 × 2.5 करो जल्दी से, चौतीस दूनी 68 और 17 34 × 2.5 = 85 आया, yes, आया कि नहीं आया, ये लो का कुछ 0.27 नहीं आएगा। यार हद कर रहे हो यार तुम, तो यार तुमको देश ने हिसाब किताब संभालने का काम दिया, तुम 0.7 ला रहे हो।
85%, कितना हुआ? 85. अब यही बात मैं कह रहा था, 15% अगर निपट रहे हैं तो बच कितने रहे हैं? 85. तो 1 में से माइनस कर दो, है ना? 1 माइनस 15%, 1 माइनस 15/100 आंसर, 100 माइनस 15/100 दैट इज इक्वल टू कितना? 85/100 को क्या लिखेंगे? 85%. बोलो यस और नो, अब आया समझ में? दो परसेंटेज में बहुत वेरिएशन होता है मेरे दोस्त, है ना? परसेंटेज जो होता है ऊपर से लेके नीचे तक की चैन में बदलता ही जाता है, सबका अलग अलग है ना, हर कोई बोलता है मेरा कितना परसेंटेज रहेगा, इसलिए वो चेंज होता जाता है. ठीक है, तो ये थी भैया नंबर 1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना, अब लिखो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. हाँ तो गया, दोनों लेते हुए लिखो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. सर इसमें 1% का निकाला था, दोनों का आ गया 1%, तो सैंपल में से एक के लिए एक ही किलो तो निकल रही है, ये एक ही है. जो प्रोबेबिलिटी लगेगी वो तो सब पे अप्लाई होगी, नाम ही है पर पर्सन, तो परसेंट परसेंट 1% को क्या बोलते हैं? और हाँ लिखो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. देखो बच्चों, पी ए, या एक काम करो तुम पहले ए को घटित होन दो अल्फाबेटिकली, ए के होने के ऊपर बी, है ना? क्योंकि आप लोग ए फॉर एक्सीडेंट समझने लग गए, पहले एक्सीडेंट ही होता है, ठीक ना? तो पी ए फॉर ए होने के ऊपर बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना? पी ए. बोलो यस और नो, इधर से इसको रोक लो इसके साथ ले जाओ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी ऑब्लिक ए. क्लियर की नॉट क्लियर? समझ गए? अब फीलिंग लाओ, ए होने के बाद बी होने की प्रोबेबिलिटी, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी, ए एंड बी, कब के केस में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में, डिपेंडेंट के केस में. ये डिपेंडेंट कहलाता है. क्या कहलाता है? डिपेंडेंट. समझ गए ना? डिपेंडेंट के केस में पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटरसेक्शन ए. समझ गया ना? तो मतलब पी ए का होना, ए के होने के ऊपर बी का होना. yes, समझ गया ना? जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट होने और मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सीडेंट होने और मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले फीलिंग लाओ. yes, क्या मरना एक्सीडेंट होने से प्रभावित तो होता है कि नहीं होता है? बोलो क्या, क्या मरना, क्या डेथ जो होती है एक्सीडेंट पर समहाउ डिपेंड करती कि नहीं करती है? बेशक करती है. मतलब इवेंट बी इवेंट ए पर डिपेंडेंट है, इवेंट बी इवेंट ए पर डिपेंडेंट है. तो पहले ए को हो जान दो, पी ए हो गई. बोलो हाँ. फिर ए के होने के ऊपर बी के होने के चांस निकालो. समझ में आ गया? ऐसे तीसरा देख लो, अगर मैं कहूँ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए होना, ए के होने के बाद बी होना और फिर सी होना, ए होना और फिर बी होना और फिर सी होना, मैथ्स में इसका मतलब होता है, ये होता है एंड. एंड क्या होता है? end. इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं इसी को? इंटरसेक्शन. और इसी को हिंदी में बोलते हैं और. क्या बोलते हैं? और. एंड मतलब और, यू एंड यू, तुम और तुम, आई एंड यू, मैं और तुम, वो एंड है. समझ गए ना? तो ये है, तो देखिए तीन इवेंट है, तो पहले कौन घटित हुई? ए. कौन घटित हुई? ए. अब चेक करो कि ए के होने के ऊपर बी का कैसे होगा. फिर चेक करो कि ए और बी के दोनों के ऊपर सी कैसे होगा. समझ में आया? ये है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ, नोट करिए मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. हाँ ये डिपेंडेंट केस है भाई, डिपेंडेंट में लगेंगी ये फॉर्मूलेस.
ये डिपेंडेंट केसेस हैं, ये फॉर्मूले डिपेंड में लगेंगे।